नमस्कार विद्यार्थियों, आजकल हम राग मालकौंस की बात कर रहे हैं। राग मालकौंस में हमने पहले थोड़ा परिचय अला जोड़ जोड़ झाला का अध्ययन किया था। उसके बाद अगले वीडियो में हमने राग मालकौंस की विलंबित रत और तोड़ों की बात की थी, और अब हम राग मालकौंस की द्रुत गत और उसके तोड़े और झाले की बात करेंगे। राग मालकौंस की मैं आपको बात बता रहा था थोड़ा थोड़ा साथ में डिस्क्रिप्शन कि इसका संप्राकृतिक राग चंद्र कौंस है। तो क्योंकि राग मालकौंस में गा धा और नी कोमल लगते हैं, और नी को हम शुद्ध कर देंगे, जैसे ये हमने नी सा गा मा दा नी सा 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 सा, तो ये चतुर्कोण बन गया। तो खैर हम मालकौंस की बात पे रहेंगे। तो आइए अब हम द्रुत गत बजाते हैं। Thank you.
हो गया है द्रुतगत, इसके तोड़े और झल। विद्यार्थियों एक चीज जो मैंने आपको बात कही नहीं, बताई नहीं, ये सस्पेंस रखा था, क्या आपने इस चीज को नोटिस किया कि इस गत में किस चीज का एहसास था? इस गत में शादी के माहौल का एहसास था। ये एक ब्याह शादियों के लिए एक तराना बना था, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब अक्सर ये रचनाएं, ऐसी ये रचना शादी के माहौल में ब्याह शादियों में बजाया करते थे। उनकी एक एल्बम आई थी शादी की शहनाइयां, उसमें भी ये चीज बजी हुई है। तो बहुत खूबसूरत गत है बंदिश, तो आप ये बंदिश जरूर करें। तो इसी के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये राग मालकौंस आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए और साथ ही दूर दूर तक इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, वीडियो को लाइक करवाएं, शेयर करवाएं, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इससे लाभ हो सके। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।